राजस्थान के सागवाड़ा से विधायक रामप्रसाद दिंडौर के कहने पर ये लोग अपने घरों से निकले थे, लेकिन अब ये लोग यहाँ पर फंस गए हैं मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर। इनका दावा हेलो रामप्रसाद जी जी, मैं पत्रकार दिनेश मौर्या बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से, मुंबई से। आपके विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग मेरे साथ में हैं, जिनका कहना है कि आपने इनको कहा था कि गाड़ी की व्यवस्था की गई है, लेकिन अब यहाँ पर जब ये चल कर आए करीब 400 किलोमीटर से ज़्यादा, इन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। ऐसा अभी वापस बॉर्डर खुला है, क्या भाई साहब? ये महाराष्ट्र के सातारा में रुके हुए थे, तो कहाँ पे व्यवस्था बताइए? पिछले 3 दिनों से चल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, सड़क पर सो रहे, कहाँ पे व्यवस्था की है ताकि मैं उनको वहाँ पे भेज सकूँ, बताइए। ऐसा है, खाने पीने की व्यवस्था वो तो अभी सीधी महाराष्ट्र सरकार में नहीं, बॉर्डर पे वहाँ यहाँ से परमिशन नहीं है गाड़ियों की सीधी महाराष्ट्र में आने के लिए जी, लेकिन बॉर्डर पे व्यवस्था है। तो भाई साहब जब भाई साहब विधायक जी जब आपको पता है कि व्यवस्था नहीं है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए, तो किस बिना पे आपने अगर भरोसा नहीं वादा नहीं किया होता तो ये लोग अपने घरों से निकलते नहीं? किसने कहा ये अभी बेचारे गुजरात बॉर्डर से इन लोगों को रिटर्न कर दिया गया है? तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अब ये लोग आपके एक भरोसे पे ये लोग निकले, इनका कहना है कि आपने इनको वादा किया था कि आप घर से बाहर निकलिए। तो किसी से बात की, इनको कहाँ भेजूँ आप ये बता दीजिए, कहाँ भेजूँ इनको ताकि इनको गाड़ी मिल जाएगी, आप बताइए। इनको इन लोगों को मैं कहाँ भेजूँ जहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी? भाई साहब आपको नहीं लगता कि आपके एक झूठे वादे की वजह से ये लोग पिछले 3 दिन से फंसे हुए हैं? आपके यहाँ के विधानसभा के मतदाता हैं ये? मेरी बात सुनिए, ऐसा है गवर्नमेंट का फैसला है, बॉर्डर 3 दिन के लिए खुला है और 3 दिन वहाँ की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है वहाँ पे पहुँचाने की, तो महाराष्ट्र को वहाँ भेजवाना चाहिए, लोगों की मदद खाने पीने की व्यवस्था करना चाहिए। देखिए सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने व्यवस्था की है, आम लोग भी इनको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं अभी 3 दिन बाद, लेकिन आप विधायक जी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इन लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए था? अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे सरकार से बात करेंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र के इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, ये किसी से बात करेंगे आप इनके लिए? अरे हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए विधायक जी, तो जो भी रहे ये इन लोगों ये लोग परेशान हैं, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए, नहीं तो देखिए मेरे साथ लोग हैं, इनसे ही बात करिए। भाई साहब बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, हम बॉर्डर तक पहुंच गए। क्या हुआ? आप बताइए, आपका नाम बताइए उनको और बोलिए साहब को क्या बोलना है, मैसेज कर देना। वापस खोले हैं राजस्थान बॉर्डर पे भेज दिए। हाँ, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। इनको ही बताया था। हाँ सर, क्या हुआ? देखिए तो ये विधायक जी, आप इनके लिए व्यवस्था करिए, इतनी हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और दोबारा इस तरह से जो है लोगों को झूठे आश्वासन ना दे आप। देखिए ये लोग, इनका कहना है कि आपके कहने पर जो है ये लोग अपने घर से निकले, अगर आप नहीं कहते तो शायद ये घर से नहीं निकलते। तो ये वो विधायक है जिनका कहना है कि उन्होंने जो है झूठा आश्वासन नहीं देता, लेकिन लोग परेशान हैं, लेकिन अब ये अपने घर जाना चाहते हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्या, मुंबई अहमदाबाद हाईवे, इंडिया टीवी।